क्रिएटिव फैमिली, कैसे हो आप लोग। तो मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने बनाई हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है दो संडे एग्स और साथ में है चाय। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मिलते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू फाशास कुकिंग। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसे हमारा लंच बन के रेडी हो चुका है और अभी लंच बनाने के बाद बहुत सा काम था, उसे कंप्लीट करने के बाद अभी हम खाना खाएंगे कुछ देर में और उसके बाद हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। ओके, ये देखिए, ये जो मेरे हेयर कट है ये मैं सेल्फ लेती हूँ, मैं सेल्फ हेयर कट लेती हूँ और जब भी मैं हेयर कट का वीडियो लूँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ऐसा मैंने आपको बोली हूँ कि मैंने ब्यूटी के कोर्सेज भी की हूँ, सो आई टेक माई सेल्फ हेयर कट और मैं आईब्रो भी अपने सेल्फ बनाती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद फिर से। अभी के लिए बाय बाय। हेलो, वेलकम बैक। तो अब हम जा रहे हैं बाहर, उसके बाद हम फिर मिलेंगे आपको। जैसे हम आ गए हैं हमारी यहाँ के शॉप में, अब हम यहाँ से क्या लेंगे वो तो मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो ये देखिए हैप्पी कैसे सो रहा है। हैप्पू, तो ये देखिए हाँ जी, हमें ब्रेड पुडिंग बनाने में हेल्प कर रही है। हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पुडिंग। तो सबसे पहले हमने ले ली 1/2 लीटर मिल्क और ये हमने ले लिए ब्रेड के स्लाइसेस जिसे हमें क्यूब कटिंग की है। साथ ही में हो गई शुगर, कस्टर्ड पाउडर और ये होममेड हमारी टूटी फ्रूटी है जो हमने लास्ट टाइम बनाए थे, हमारे प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हो। साथ ही में है हमारा मिल्क पाउडर और ये हो गई किशमिश, दो अंडे और वेनिला एसेंस। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। देखिए, सबसे पहले हमें शुगर को कैरमलाइज करना है, तो हमने इसमें थोड़ा शुगर ऐड कर दिए है। अब ये जब कैरमलाइज होगा तो हम इसके आगे की प्रोसेस में चले गए। तो ये देखिए हमने शुगर कैरमलाइज कर दिए है और अब हम इसके आगे के प्रोसेस में जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिए मिल्क, 2 स्पून मेल्टेड बटर भी हमें यूज में आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 eggs, अब उसके बाद हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर 2 tablespoon, इसमें फिर ऐड करेंगे हम मेल्टेड बटर। हमारा कस्टर्ड पाउडर था उसमें हमने मिल्क ऐड किए और इसकी एक लिक्विड बनाए, फिर उसके बाद हमने उसको स्ट्रेन करके हमने जो हमारा ये बैटर है उसमें हमने ऐड कर दिए है। अब हम इसे अच्छे से विस्क करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे शुगर एज पर टेस्ट, कितना स्वीट चाहिए हमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ब्रेड के स्लाइसेस जिसे हमने इसमें डिप किए और हमें हमारे कैरमलाइज शुगर में ऐड करना है। इसी तरीके से हम हमारे सब ब्रेड के स्लाइसेस को, हमने 4 ब्रेड लिए थे, फिर 1 ब्रेड के हमने 4 क्यूब्स किए, तो अपने हिसाब से हमें ब्रेड के स्लाइसेस लेने। एसेंस भी ऐड करना है, एक्चुअली वो पहले ऐड करना था, हम भूल गए थे, तो अभी भी कोई बात नहीं है बिकॉज इस लेयर के बाद हमें फिर से इस पर लेयर ऐड करनी है। तो देखिए हमारे ब्रेड के स्लाइस की लेयर हो चुकी है, अब हमने इसमें किशमिश और हमारी टूटी फ्रूटी है वो हमने ऐड करे। अब देखिए हमने बैटर जो था हमारा पोर कर दिए है, अब हम एक सेकेंड लेयर फिर से अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हमें और 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेके ऐड करने पड़ रहे बिकॉज हमारे ब्रेड अभी ओवर हो गए यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा सेकेंड लेयर भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम इस पर फिर से गार्निशिंग करेंगे, सेम प्रोसीजर। तो ये देखिए हमने सेकेंड लेयर पे भी गार्निशिंग अच्छे से कर दिए है। तो देखिए अब हम ये जो हमारा बैटर बनाया है हम इस पर पूरा पोर करके इसको हम बेक करने रखेंगे। इसे हमने कवर करके रख दिए है, अब हम इसे पहले हमारे ओवन को हम प्रीहीट करेंगे, फिर उसके बाद हम 1/2 आवर के लिए इसे बेक पे रखेंगे। देखिए अब हम इसे 1/2 आवर के लिए बेक करने रख देंगे। हेलो, वेलकम बैक। तो ये देखिए हमारी ब्रेड पुडिंग बन के रेडी हो चुकी है और ऑलमोस्ट इसे 1 आवर लगे बेक होने के लिए। और अब ये ठंडा हो चुका है, जैसे हमने इसको ओवन से निकाले हमने इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पर रख दिए थे, अब ये
ठंडा हो चुका है, अब हम इसको दिखाएंगे। वेरी नाइस। तो ये देखिए हमारी ब्रेड पुडिंग बनके रेडी हो गई है, अब हम इसे कट करेंगे। हेलो, वेलकम बैक। तो ये देखिए हमारी ब्रेड पुडिंग बनके रेडी हो चुकी है और ये बहुत अच्छी बनी है। मैं इसकी रेसिपी तो अपलोड कर दूंगी आप लोग के लिए। आइए फर्शा के साथ टेस्ट करने। अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो अभी के लिए बाय बाय। चलो हैंशू अभी जा रही है बाहर, जाओ। और साथ में फ्रिंजू भी जा रही है। ये देखिए नितिन खुशी ने क्या कर दिए, इन्होंने इनकी लैडर गिरा दिए। अब इनकी लैडर ठीक करनी पड़ेगी। ये हमारे साथ में कितने सालों से, लेकिन ये तभी भी फ्रेंडली नहीं होते हमसे। कोई बात नहीं। हेलो, वेलकम बैक। तो जैसे रात हो चुकी है, खाना खा के हो चुका है, बहुत नींद आ रही है अभी। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड अब हम मिलेंगे कल मॉर्निंग में विथ न्यू रेसिपीज एंड न्यू ब्लॉग के साथ फैशन स्टाइल में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।